अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप अपने घर में खुश और आबाद होंगे। वेलकम टू देसी फूड विद शुमाइला के साथ। तो आज हम बना रहे थे बेसन का चीला, बहुत ही टेस्टी और अच्छा बनता है, और ख़ास उन लोगों के लिए जिसको शुगर है और जो डाइट में, उसके लिए तो ज़बरदस्त ये चीज़ है। तो यहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत है वो मैंने आपको मैंशन कर दिया, फिर भी मैं बता देती हूँ। टमाटर है, प्याज है, हरा धनिया है, हरी मिर्च है, आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे दो लोगों के लिए बना रही थी, अपने लिए और मैं अपनी बहन के लिए, ठीक है। तो अब इस चीज़ में मैंने जैसे पकोड़े हम बनाते हैं वही वाली चीज़ बनेगी, लेकिन थोड़ी डिफरेंट होता है ये वाली चीज़। तो जनाब तो जी, इसमें हमने धनिया पाउडर, नमक, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और थोड़ा मैंने अपना घर का पिसा हुआ है मसाला वो डाला, लाल मिर्च नमक डाली, ठीक है जी। अभी मैंने इनको अच्छी तरीके से से एक जो है ना थोड़ा थोड़ा कर डालेंगे, तो ये जो वो ऊपर नीचे भी अच्छी तरीके से पक जाएगी, और ये जो नीचे से भी ये अच्छी तरीके से ऊपर आ जाएगी, ठीक है जी। अब हमने इनको अच्छी तरीके से हिलाया, ठीक है, फिर मैंने इनको निकाला। तो यहाँ पे जनाब मेरी चाय भी बन रही थी, हमने शाम पर नाश्ता कर रहे थे, तो मैंने कहा कोई स्पाइसी चीज़ का शॉर्ट भी हो जाएगा और वीडियो भी अच्छी बन जाएगी, और इनको जो रही थी दूसरा, ठीक है जी। अब दूसरा बनाने के बाद ये भी अभी वही वाले ऊपर में देसी घी डाले, नॉर्मल घी डाले जो आपको अच्छा लगे, ठीक है जी। अभी मैंने इनको उतार के ये देखिए इतना नरम मुलायम हुआ है, जो आप लोग किसी किसी का ये सख्त भी हो जाता है, लेकिन ये बहुत ही नरम और टेस्टी बनाता है, ठीक है। और बाकी जो आपको चीज़ें अच्छी लगे, जो भी आपको वेजिटेबल अच्छी लगे, इसमें आप डाल के खा सकते हो, ठीक है जी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही अच्छा बना, तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर देना और दुआओं में याद रखना। अगली वीडियो में फिर